तो क्या हालचाल दोस्तों। तो भाई आज भी मैं आपके लिए एक से एक न्यूज लेकर आया हूँ, तो आपको हर बार की तरह वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो बिना टाइम गवाए चलिए बात करते हैं न्यूज की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं भुवन बाम के बारे में। तो भुवन बाम ने आज सुबह अचानक एक स्टोरी में पोस्ट करते हुए लिखा, बेटे कुछ दिनों से तबीयत खराब चल रही है, टेस्ट रिजल्ट्स हैव कम एंड आई एम कोविड पॉजिटिव, इस वायरस को लाइटली मत लेना, मास्क लगाओ, कीप सैनिटाइजिंग योर सेल्फ एंड सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, सब ठीक रहा तो मिल जाऊंगा यहीं पे। और इस पर रिएक्ट करते हुए आशीष चंचलानी ने कहा, भुवन मेरी जान, आई लव यू सो मच, गेट वेल सून, आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू, सो आई होप कि भुवन मैम बहुत जल्द ठीक हो जाए। तो चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज आती है डॉन सिनेमा की तरफ से। तो बात कुछ ऐसी है कि 11 महीने पहले जब टिकटॉक चल रहा था, तो तब डॉन सिनेमा ने टॉकर हाउस करके एक न्यू शो निकाला था, जिसमें बहुत सारे टिकटॉक स्टार थे, जैसे कि मिस्टर फैजू हो गए, टीम 07, जन्नत जुबैर, बहुत सारे ऐसे स्टार परफॉर्म करने वाले थे और ये शो बिग बॉस जैसा ही होने वाला था। ऑल्सो उन्होंने टॉकर हाउस सॉन्ग करके एक गाना भी निकाला था, बट हुआ कुछ ऐसा कि गवर्नमेंट ने टिकटॉक को बैन कर दिया और उसके बाद टॉकर हाउस भी बंद हो गया। देन आफ्टर अभी जाकर डॉन सिनेमा के जो ओनर है महमूद अली, उनके अगेंस्ट में बहुत सारे टिकटॉकर्स वीडियो पोस्ट कर रहे हैं कि टॉकर हाउस के नाम पर डॉन सिनेमा ने हमको एक रुपया भी नहीं दिया और हमारे पैसे खा लिए। इन शॉर्ट उनके साथ फ्रॉड हुआ है। ऑल्सो एजाज खान और हिंदुस्तानी भाऊ ने भी कुछ स्टोरी पोस्ट की है, तो आइए देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आपको पता होगा डॉन सिनेमा एक चीटर आदमी का OTT प्लेटफॉर्म है, सबको चीट कर रहा है वो, उसका नाम है महमूद। मेरा भी पैसा बाकी है और काफी सारे टिकटॉकरों का पैसा बाकी है और काफी लोगों के नाम पे पैसा उठाया उसने। ही इज अ चीटर, नथिंग एल्स, प्लीज बीवेयर ऑफ डॉन सिनेमा। जैन एक महमूद अली करके डॉन सिनेमा के है, तो ऐसे इंसान से बच के रहिए, क्योंकि ये सिर्फ जितने भी टिकटॉकर हुए, सेलिब्रिटी हुए, उनसे एग्रीमेंट तो बनवाते हैं मगर पैसा नहीं देते, तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो एक प्रोडक्शन ओपन करके लोगों को, लोगों के फोटो दिखा के उनका फायदा उठाते, तो ऐसे लोगों से बच के रहिए। ये हादसा मेरे साथ भी हुआ है, 2-3 बार उन्होंने मुझे कोई फंक्शन में बुलाया और मुझे भी बहुत सारे ऐसे वादे किए, मगर वादे पे वो कायम नहीं रहे। तो जितने भी है ऐसे लोगों से सावधान रहिए, वरना आप भी इनका शिकार बनेंगे। ये जो महमूद अली है डॉन सिनेमा का, ये बहुत बड़ा फ्रॉड बनता है, ये सिर्फ पैसा उठाता है हमारे नाम से, हमें कुछ नहीं दिया, सिर्फ टॉकर्स हाउस के नाम पे बहुत लोगों को एड़ा बनाया, पैसा खाया बाकी लोगों से, ये बहुत बड़ा फ्रॉड बनता है, इसके झांसे में मत आओ कभी। तो गाइस आप इसके बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट में जरूर बताना। गाइस अगली न्यूज आती है बाबा के दाबा स्कैम अपडेट के बारे में। तो फाइनली बाबा ने गौरव भाई मतलब कि स्वाद ऑफिशियल के खिलाफ FIR कर दी है। ऑल्सो उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, आफ्टर सोशल मीडिया पर डोनर से बहुत सारा संदेश प्राप्त करने के बाद, या फिर पब्लिक डिमांड भी कह सकते हैं, हमने दान के संग्रह के बारे में फैक्ट जानने के लिए कंप्लेन कर दी है। तो यस यार, आप इसके बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट में जरूर बताना। गाइस अगली अपडेट आती है कैरी मिनाटी के बारे में। कैरी मिनाटी के 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं यूट्यूब पर। ऑल्सो उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, 6 साल पूरे हो गए, प्रोग्राम में बने रहने के लिए शुक्रिया, #6year ऑफ कैरी मिनाटी। ऑल्सो उनका न्यू सॉन्ग डेट कर ले का टीजर लॉन्च हो चुका है, अगर आपको देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके जरूर देखिए। ऑल्सो सॉन्ग की बात निकली है तो मैं आपको बता दूं कि एमिवे मंटाय का खोना है सॉन्ग आज शाम 7 बजे रिलीज होगा। गाइस अगली और लास्ट न्यूज आती है ध्रुव राठी की तरफ से। इनकी यूट्यूब चैनल पर 4.4 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है। तो हुआ कुछ ऐसा कि सम्राट भाई अपने इंस्टाग्राम पर Q&A कर रहे थे और वहाँ पर किसी ने उनको पूछा, भाई ध्रुव राठी के बारे में आपका क्या कहना है? मैं नहीं, आप समझो, अभी भाई फ्रांस पे कुछ नहीं बोल रहे बल्कि इकोनॉमी कंपेयर करके बैठे हैं दूसरे देशों से। क्यों? क्योंकि फ्रांस पे बोलने से दोनों तरफ की ऑडियंस नजर आएगी, वो वहाँ के प्रेसिडेंट को भी कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि इंडिया की लिबरल्स ने ही उनको सपोर्ट किया था प्रेसिडेंट बनते टाइम, हिपोक्रेसी समझो। आप लोगों को पता ही होगा कि फ्रांस के प्रोडक्ट की बॉयकॉट बहुत ही हो रही है, मतलब कि फ्रांस से जो इंडिया में प्रोडक्ट इंपोर्ट होते हैं
उसको सभी लोग बॉयकॉट कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मैं एक वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो वीडियो आप देख लेना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर सम्राट भाई ने ध्रुव राठी को एक तरीके से एक्सपोज किया है कि वो फ्रांस पर वीडियो क्यों नहीं बना रहे। देन उसके बाद ध्रुव राठी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल के द्वारा बोल दिया कि वो फ्रांस पर वीडियो बनाएंगे। तो बस आज के लिए बस इतनी ही न्यूज थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करते वक्त ना बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यही नहीं, अभी और सुनिए। 1 तारीख से स्कूल खुलना है, संडे है उस दिन। आपको क्या लगता है सरकार ने कैसा फैसला किया? अरे बुलाएंगे तो मंडे से ही ना। फैसला 1 तारीख 2 तारीख करना चाहिए। हाँ गलती हो जाती है।